उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गोरखाली संस्कृति से महेंद्र ग्राउंड सरोबार नजर आया। गोरखाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वीर गोरखा कल्याण समिति ने दसई और दिवाली का एक महाउत्सव आयोजित किया। इस दो दिवसीय महाउत्सव में नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय गोरखाली जनता ने अपनी भागीदारी दिखाई। साथ ही राज्य सरकार के मंत्री प्रकाश पंत, स्थानीय मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश जोशी समेत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मुख्य रूप से कार्यक्रम में नजर आए। इस कार्यक्रम के आयोजन ने उत्तराखंड के समस्त गोरखाली समाज की संस्कृति को एक बार फिर सबके सामने प्रस्तुत किया। केवल गोरखाली समाज ही नहीं, इसके अलावा कुमाऊं, गढ़वाली एवं हिमाचल की सांस्कृतिक नृत्यों को भी इस बार मंच में मंचन का मौका दिया गया। देहरादून से वीर गोरखा वेब टीवी के द्वारा एक स्पेशल रिपोर्ट। जड़ों को अभिसिंचित करने के लिए भी आवश्यक है। मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि इस मेले के माध्यम से जो संस्कृति का संदेश, अपनी जड़ों तक पहुंचने का संदेश इस मेला कमेटी द्वारा यहां के जो स्वयंसेवक हैं उनके द्वारा दिया गया है, इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे समाज को। जब आप लोग मेरे पास आए थे, मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपका कार्यक्रम शाम का था, हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि हमें मसूरी जाना है। लेकिन कहते हैं फिल्म स्थापन एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है, इसके लिए क्योंकि हमारे त्यौहार हमारी संस्कृति के भाग होते हैं। इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जीवन रख सकते हैं। ये स्थानीय कार्य आपकी स्मृति कर रही है।